हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दावते दोस्त में। फ्रेंड्स, आज जो है आपको ऐसी चीज़ के बारे में हम बताएंगे जो शायद आप इसके फायदे के बारे में जानते होंगे। जी हाँ, गुड़ की मैं बात करूँगी, आप सभी जानते होंगे इसके फायदे के बारे में। फिर भी मैं कुछ बताना चाहूँगी कि इसमें भरपूर जो है कैल्शियम की मात्रा और फॉस्फोरस की मात्रा होती है, जिससे जो हमारी हड्डियों को मजबूत करने में बहुत फायदे मिलते हैं। गुड़ को अगर दूध में डाल के अगर आपको आप डेली लेते हैं तो आपको नींद अच्छी आती है, डिप्रेशन से जैसी गंभीर बीमारियों से जो है आप मुक्त हो सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके अनगिनत जो है फायदे हैं। आज जो है गर्मियों का सीजन है, और गर्मियों के सीजन में जैसे कि जानते हैं कि गुड़ जो है गन्ने से बनता है, तो क्यों ना जो हम गुड़ से ही जो है गन्ने का जूस तैयार कर लें। तो इसकी रेसिपी लेकर आएंगे, बहुत ही आसान, सिंपल और बिल्कुल टेस्ट, बिल्कुल मार्केट जैसा जो है गन्ने का जूस आप घर में जो है सिर्फ 5 मिनट में जो है तैयार कर सकते हैं। तो 2 गिलास के लिए मैंने 2 छोटी गुड़ की भेली ले रखी है, और उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद से जो है यहाँ पे एक ग्राइंडर जार लिया है, और उसके अंदर जो है ये ग्रेट किया हुआ जो गुड़ है हम उसको अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद से इसके फ्लेवर को, और बिल्कुल जैसी तरह हम गन्ने वाले को बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा अदरक और पुदीना भी डाल देना, तो बिल्कुल हम भी इसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। और डालने के बाद से साथ ही जो है थोड़ा सा जो है इसमें काला नमक डालेंगे टेस्ट के लिए, और डालने के बाद से बिल्कुल चिल्ड वाटर जो है बिल्कुल इसमें जो है 2 गिलास के हिसाब से जो है हम इसमें डालेंगे, और इसको जो है अच्छे से जो है हम 1 मिनट जो है मिक्सर में जो है अच्छे से फेंट लेंगे, चला लेंगे। तो बिल्कुल गर्मियों में जो है आप घर पे ही जो है आसानी से सिर्फ ये जूस जो है गन्ने का जूस, बिना गन्ने का गन्ने का जूस जो है हम घर में तैयार कर सकते हैं। और गन्ने का जूस तो ठंडा ठंडा पिए तो बहुत सुकून लगता है, और हेल्दी भी है, अच्छा भी है। तो इस तरह से 6-7 जो है आइस क्यूब डाल के जो है जग में मैंने रख लिया, और गन्ने का जूस जो है अब हम स्ट्रेनर की मदद से जो है इसे छान लेंगे, और छानने के बाद से बस इसे ग्लास में सर्व कीजिए, और ठंडा ठंडा जो है पूरी फैमिली को जो है आसानी से आप इस तरह से बना के 5 मिनट में जो है गन्ने का जूस पिला सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड कि आपको जो ये गन्ने का बिना गन्ने का से गन्ने का जूस आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं और एक अलग टाइप की रेसिपी में, और इसके फ्लेवर को और इन्हेंस करेगा इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जो है 1 नींबू का रस भी डालेंगे, ताकि जो है एकदम फ्लेवर जो है एकदम बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट है, और इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा खट्टा मीठा जो है एकदम फ्रेश ठंडा गन्ने का जूस जो है बनकर तैयार है। तो चलिए मिलते हैं आपको और एक अलग टाइप की रेसिपी में, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।